देखिए फाइनली पोने सेलिब्रेट का टीजर आ चुका है भाई। टीजर क्या ही था, इससे हम बाहुबली का बात तो नहीं कर सकते हैं, पर PS1 बाहुबली से 2-3 स्टेप ऊपर जरूर है। देखिए टीजर में हमको सबसे खतरनाक कैरेक्टर विक्रम का लगा भाई, मजा ही आ गया। मगर ताजुक बात ये है, PS1 के टीजर लॉन्च इवेंट में विक्रम और ऐश्वर्या राय वहाँ थे ही नहीं, जबकि उधर लीड एक्ट्रेस हैं PS के। तो चलिए आइए जानते हैं आखिर उस दिन उन लोगों के साथ हुआ क्या था। 12 साल से फिल्म बन रही थी और टीजर ने बता दिया है क्यों मुझको बनने में 12 साल लगे थे। देखिए काफी लोग इसको बाहुबली से कंपेयर कर रहे हैं, उसका वाइब मिल रहा है इसमें। अरे भाई बाहुबली वो फिक्शनल फिल्म थी, ये पोनियन सेल्वियन चोला डायनेस्टी के ऊपर है, जिनका साउदर्न इंडिया में 10वीं शताब्दी में बहुत बड़ा साम्राज्य था। महाराजा आदित्य करिकलन जो विक्रम रोल कर रहे उन्हीं कहानी है इसमें, और कहानी ली गई है पोनियन सेल्वियन नामक एक तमिल नॉवल से। देखिए आपको PS1 का टीजर लॉन्च इवेंट में कार्तिक दिखेंगे, फिर त्रिशा भी दिखेंगी, फिर ऐश्वर्या लक्ष्मी भी और जैम रवि भी, और साथ में म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान भी थे वहाँ। सभी देसी गेटअप में वहाँ मौजूद थे, मगर पोनियन सेल्वियन लीड एक्ट्रेस और सेवरल राय बच्चन और विक्रम नहीं थे। देखिए टीजर इवेंट 8 तारीख को शाम को होना था, मगर विक्रम को सुबह ही तबीयत खराब हो गया, जिसको लेकर कुछ फेक रूमर्स भी आए थे, उनको हार्ट अटैक आ गया। मगर ना ही वो सेफ है, उनके बेटे ध्रुवा विक्रम ने स्टोरी डालकर कंफर्म कर दिया, उनको बस चेस्ट पेन हुआ था, वो फाइन है, लेकिन वो अभी भी हॉस्पिटल में। और देखिए सोरा राय का पता नहीं रीजन वो क्यों नहीं इवेंट में वहाँ थी, शायद ट्रेलर का हिंदी वर्जन रिलीज कर रही होंगे अमिताभ बच्चन के साथ। अब आते हैं टीजर पे, तो PS1 सच में बवाल दिख रहा है, कुछ लोगों को टीजर देखकर गुस्सा भी आ रहा होगा, उनमें से मैं भी हूँ। PS1 पर नहीं बल्कि पृथ्वी राज पर। देखिए दोनों के बजट में कुछ ज्यादा का अंतर नहीं था, पृथ्वी राज भी बनी है 350 करोड़ में और पोनियन सेल्वियन 500 करोड़ में, बस फर्क इतना है आपके अक्षय कुमार की फिल्म को 40 दिन में निपटाया गया और विक्रम की फिल्म को 12 साल में बनाया गया। देखिए पृथ्वीराज के टाइम काफी लोग बोल रहे थे गलत कास्ट हुआ, इतने बूढ़े इंसान को सम्राट पृथ्वीराज बना दिया गया। देखिए एज में तो विक्रम अक्षय कुमार से भी 2 साल बड़े हैं, ये 56 के हैं तो अक्षय कुमार 54 के हैं, लेकिन आपको परफॉर्मेंस में जमीन और आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। PS1 में विक्रम टाइगर जैसा लग रहे हैं एकदम धाड़ते हुए, और पृथ्वीराज में अक्षय कुमार बिल्ली जैसा लग रहे थे, मुरझाए व सकल, कोई राजा वाला रौब नहीं था, नकली मुछ लगा के भी पृथ्वीराज नहीं बाला ही दिख रहे थे। देखिए पृथ्वीराज को बिगाड़ने में सिर्फ अक्षय कुमार का हाथ नहीं है बल्कि डायरेक्टर का भी बहुत बड़ा योगदान था। PS1 के विजुअल्स कलर्स आपको एकदम माइंड ब्लोइंग लगती होगी, वार सीन भी भयंकर क्रिएट किया गया, मगर पृथ्वीराज में विजुअल्स के नाम पर केवल पीला पीला था, वार सीन तो एक दो को था ही, वो भी मजेदार नहीं था, इसलिए लोगों का गुस्सा फूट रहा है। साउथ वाले एंसेंट फिल्म को इतने बड़े लेवल पर पोर्ट्रेट किया और बॉलीवुड वाले सम्राट की धज्जियां उड़ा दी, अब सच में ये लोग आगे से मैथोलॉजिकल एंसेंट फिल्म बनाते हैं ना तो गोली मार दूंगा इन्हें, तुम सब उन्हें रिमेक करने के लायक हो। पर कोई नहीं, आदित्य चोला तो हमारे ही देश के किंग थे, जिन्होंने सिर्फ इंडिया में नहीं अपने साम्राज्य को फैलाया बल्कि अपने नेवी के बदौलत श्रीलंका और काफी सारे आसियान देश अपने कंट्रोल में कर लिया था। देखिए पोनियन सेल्वियन में 2 साम्राज्य में लड़ाई होगी, चोला डायनेस्टी और पांड्या डायनेस्टी के बीच। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तब तक आप सभी को अलविदा।